गुड इवनिंग एवरीवन, आप देख रहे हैं हक टीवी और आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ड्यू टू COVID-19 द होल वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट स्टेइंग एट होम। ऑल्दो इट्स वेरी अनरियलिस्टिक बिकॉज वी हैव टू गो आउट टू गेट थिंग्स टू अर्न, बट वी हैव टू, अल्टीमेटली लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी। तो जी, आज हम आपको बताएंगे इम्यूनिटी किस तरह इंक्रीज़ की जाए। हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करे, ख़ास तौर पे आजकल की सिचुएशन में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इम्यूनिटी जो है वो आपकी बॉडी को हेल्प करती है बीमारियों से फाइट करने में। अगर आपकी इम्यूनिटी हाई है देन यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू फाइट विद डिजीज़। तो जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जो डॉक्टरों से सर्टिफाइड है, वो है जी सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट उन फ्रूट्स को बोलते हैं जिनके अंदर खटास ज़्यादा होती है, जैसे कि लेमन है, ऑरेंजेस है, ग्रेप फ्रूट्स हैं। और सिट्रस फ्रूट के अलावा जी कलवंजी है। कलवंजी के अगर जो इंसान 2 से 3 दाने रोज़ ले लेता है, वो कभी भी किसी बीमारी में मुबतला नहीं हो सकता। कलवंजी के बारे में ये कहा जाता है कि कलवंजी में हर बीमारी की शफा है मौत के अलावा। और कलवंजी के साथ शहद जो है वो भी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मफीद है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शहद जो है वो आपकी बॉडी को ताकत देता है। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में कोई ज़ख्म है इंटरनल या एक्सटर्नल, तो शहद जो है उसको भी हील करने में बहुत ही मुफीद साबित होता है। और व्यूअर्स, COVID-19 के बारे में जो एक बात है कि ये आपके घर में खुद बहुत चल के नहीं आएगा, अल्टीमेटली यू विल टेक इट टू योर होम। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें हक टीवी।